हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपसेट रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जे कोबिन का नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम क्या है? इफ वाई वन इजकल टू एक्स टू एक्स थ्री अपॉन एक्स वन, वाई टू इजकल टू एक्स थ्री एक्स वन अपॉन एक्स टू एंड वाई थ्री इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री, देन सो दैट द जैकोबियन ऑफ वाई वन वाई टू आई थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज फोर, यहाँ पे इज इक्वल टू फोर। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा मिस हो गया था लिखने में। तो क्या शो करना है हमें? जैकोबियन ऑफ y1, y2 एंड y3 विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, x3 इज इक्वल टू फोर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे हम कि नोटेशन अलग अलग होता है। तो जैकोबियन का फार्मूला जो लिखते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, जो कि हम पहले वीडियो में जो कंसेप्ट वाला वीडियो था काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा चुके हैं, बता चुके हैं, प्रॉब्लम भी कराए थे बेसिक एक, तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या y1, y2, y3 फंक्शन है किसका? x1, x2 एंड x3 का। तो y1 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन दैट इज f1 ऑफ x1, x2, x3। कितना दिया है? x2, x3 अपॉन एक्स वन। वाई टू कितना दिया है? वाई टू को हम जूम करते हैं, फंक्शन है अनदर फंक्शन एफ टू, एक्स टू, एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री का। कितना है? एक्स थ्री एक्स वन अपॉन एक्स टू एंड थर्ड फंक्शन दैट इज वाई थ्री। कितना है y3 को हम लेट कर सकते हैं? f3 जो है हमारा f3 ऑफ x1, x2 एंड x3 इज इक्वल टू x1, x2 अपॉन x3। अब हमें पूछ रहा है जैकोबियन ऑफ y1, y2, y3 विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2, x3। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है इसको थियोरेटिकल फॉर्म में जो दिया है इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे? हमने पहले वीडियो में बताया था, काफ़ी अच्छे से बताया था कि तीन नोटेशन बेसिकली हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का हमने तरीका बताया था। जैकोबियन ऑफ y1, y2, y3 विथ रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, पहला नोटेशन तो ये था जैकोबियन ऑफ y1, y2, y3 अपॉन x1, x2, x3। मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना वो नीचे, जिसका निकालना है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। और इसको हम ऐसे भी लिखते थे डेल वाई वन वाई टू वाई थ्री ओवर डेल ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में कौन सा एलिमेंट दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव जो लिखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स, वो कौन सा, किस रो में लिखना है, किस कॉलम में लिखना है, मतलब कौन सा एलिमेंट होगा। इसके लिए हमें एक ट्रिक बताए थे जो कि पहले वीडियो में हम बताएं, उस वीडियो को जाके आप देखें, देन इस वीडियो को देखना। ट्रिक बताया था कैसे लिखना है उसमें, मतलब कोई भी नोटेशन दे, हम तो जनरली जो हमारा फंक्शन देता है यू वी के लिए पढ़ते हैं या कोई सिंपल सा फंक्शन, मतलब ज़्यादातर यूज करते हैं, एग्जाम में भी वो ऐसा ही पूछ लेता है। बट अगर हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग नोटेशन यूज करता है, तो वहाँ पे हम फार्मूला जो है ना जैकोबियन का डिटर्मिनेंट वाला लिखने में मिस्टेक करते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने बताया था कि कैसे इस ट्रिक का यूज करके हम उन सब मिस्टेक से बचेंगे। तो उस ट्रिक के आधार पे ही मैं सारे एलिमेंट लिखता हूँ जैकोबियन के इसमें डिटर्मिनेंट के। तो क्या होगा? डेल वाई वन, मैं बताया था कुछ ऐसे, जैसे फंक्शन है हमारा वन टू थ्री। आप एक बार पहला वाला वीडियो जो है ना कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसको जाके अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा पे हिंट दे रहा हूँ। तो वन का मतलब जैसे ऐसे आना है, देन ऐसे आना है, देन ऐसे आना है। इस तरह से आएंगे तो आर वन में लिखेंगे, इस तरह से आएंगे तो आर टू में लिखेंगे, एंड इस तरह से आएंगे तो आर थ्री में लिखेंगे। आर वन, आर टू एंड आर थ्री के अलोंग सारे एलिमेंट हमें लिखने हैं, ठीक है? तो यहाँ लिखते हैं डेल वाई वन ओवर डेल एक्स वन, डेल वाई वन ओवर डेल एक्स टू एंड डेल वाई वन ओवर डेल एक्स थ्री, डेल वाई टू
डेल वाई टू ओवर डेल एक्स वन, डेल वाई टू ओवर डेल एक्स टू एंड डेल वाई टू ओवर डेल एक्स थ्री। एंड आर थ्री में क्या लिखेंगे इसी तरह से, आर थ्री में जो हो जाएगा हमारा डेल वाई थ्री ओवर डेल एक्स वन, डेल वाई थ्री ओवर डेल एक्स टू एंड डेल वाई थ्री ओवर डेल एक्स थ्री। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे एलिमेंट्स इस डिटर्मिनेंट के। अब इस सिंपली मतलब इस डिटर्मिनेंट में जो डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू प्रूफ करते हैं और डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट जो यहाँ फोर प्रूफ करना था आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं अगेन। तो हमारा जो फंक्शन है कितना y1 है x2 x3 अपन x1, तो y1 को x1 के रेस्पेक्ट में करना है, x1 के रेस्पेक्ट में। तो x2 x3 क्या कांस्टेंट हो गया, x2 x3 कांस्टेंट हो गया एंड 1 अपन x1 का हो जाएगा माइनस 1 अपन x1 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डेल y1 ओवर डेल x2 कितना होगा, डेल y1 ओवर डेल x2 कितना होगा, x2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x3 अपन x1 कांस्टेंट हो गया बाहर आ गया एंड x2 का x2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। पार्शियल डेरिवेटिव हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर किए हैं, एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं टू वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल क्या होता है एंड थ्री वेरिएबल फंक्शन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का जो बेसिक डेफिनेशन होता है उस बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हुए मतलब क्वेश्चन वोशन हम काफ़ी अच्छे से अपने प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। तो जिनको पार्शियल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आती है पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से वॉच करो, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव आप अच्छे से सीख जाओगे। तो ठीक है, तो डेल वाई वन ओवर डेल एक्स टू इतना हो गया, डेल वाई वन ओवर डेल एक्स थ्री कितना हो जाएगा एक्स थ्री अपॉन एक्स वन एंड एक्स थ्री के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स टू अपॉन एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डेल वाई टू ओवर डेल एक्स वन कितना होगा, डेल वाई टू ओवर डेल एक्स वन, डेल वाई टू ओवर डेल एक्स वन एक्स थ्री अपॉन एक्स टू, एक्स थ्री अपॉन एक्स टू डेल वाई टू ओवर डेल एक्स टू एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री एक्स वन अपॉन एक्स टू का स्क्वायर एंड डेल वाई टू ओवर डेल एक्स थ्री कितना होगा एक्स वन अपॉन एक्स टू। नेक्स्ट रो का एलिमेंट लिखते हैं, दैट इज आर थ्री में कौन सा एलिमेंट होगा हमारा, डेल वाई थ्री ओवर डेल एक्स वन, वाई थ्री हमारा है एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री, तो डेल वाई थ्री ओवर एक्स वन कितना होगा एक्स टू अपॉन एक्स थ्री, एक्स टू अपॉन एक्स थ्री। ठीक है, डेल वाई थ्री अपॉन डेल एक्स टू कितना होगा एक्स वन अपॉन एक्स थ्री होगा एंड डेल वाई थ्री ओवर डेल एक्स थ्री कितना होगा माइनस एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स थ्री का स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, यहां से हम वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एंड एक्स थ्री स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एंड एक्स थ्री स्क्वायर, तो इधर हमारा बच जाएगा एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स वन एंड एक्स टू एक्स वन, एक मिनट, एंड ये हो गया एक्स टू एक्स वन। सिमिलरली इसमें क्या बचेगा आर टू में, आर टू में हमारा हो जाएगा एक्स टू एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री एक्स वन एंड एक्स वन एक्स टू। आर थ्री में क्या बच जाएगा, आर थ्री में बच जाएगा एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स थ्री एंड माइनस एक्स वन एक्स टू। अब यहां से क्या करेंगे, अगेन यहां पे ध्यान से देखो C1, C2 एंड C3 डेट इज कॉलम के अलोंग देखेंगे तो X2, X3, X2, X3, X2, X3 कॉमन है, X3, X1, X3, X1, X3, X1, सिमिलरली X2, X1 सारे मतलब बाहर आ जाएंगे, तो ओवरऑल मतलब अगेन हमारा बाहर आ जाएगा X1 स्क्वायर X2 स्क्वायर एंड X3 का स्क्वायर। तो इसको
लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर एक्स थ्री का स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एंड एक्स थ्री का स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे माइनस होगा यार, ना तो माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना है? ये देखो कर लेते हैं यहाँ साइड में, माइनस वन इंटू वन माइनस वन माइनस वन। डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता होगा ना, एक बार खुद से तुम ट्राई करो इसको, एकदम इजी सा हलवा सा डिटर्मिनेंट है। इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करते ना तो भी हमारा आ जाता, लेकिन हम क्या किए ना इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा एल्जेब्रिक मतलब यहाँ एल्जेब्रा के टर्म आते हैं, मतलब काफ़ी दिक्कत होती सारे x1 x2 x3 मतलब डायरेक्ट ऐसे ओपन करते डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब सॉल्व करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो इतना आसान हो गया और इसका डिटर्मिनेंट तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये इतना हो गया माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, तो हो जाएगा वन प्लस वन, तो हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस टू, ये भी हो जाएगा प्लस टू, दैट इज फोर। ये तो कैंसिल हो गया हमारा, तो यह आ गया हमारा फोर। अब हमें क्या निकालना था, हमें प्रूफ करना था जैकोबियन ऑफ y1, y2 एंड y3 विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2, x3 फोर, यही हमें शो करना था। तो हमने प्रूफ कर लिया इसको, तो इसको लिखते हैं हेंस हेंस जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विथ रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3, यहाँ बीच में कॉमा होता है ठीक ना, इज इक्वल टू फोर। प्रूव्ड हो गया, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो प्लेलिस्ट को एंजॉय करो तुम सब, काफी अच्छे से हम इसको कराएंगे जैकोबियन को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।